नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज़। व्यापारियों ने जवानों की शहादत और बलिदान को याद करते हुए देशभक्ति के गीत गाए और उन्हें प्रणाम किया। कोरोना महामारी के बीच अहमदाबाद शहर सहित राज्यभर में 74वें स्वतंत्रता दिवस का भव्य आयोजन किया गया था। शहर के कंकरिया इलाके में सफल टू चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा 74वें स्वतंत्रता दिवस का एक अनूठा उत्सव आयोजित किया गया था। 100 से अधिक व्यापारियों ने कोरोना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कोरोना से बचने के लिए अपने चेहरे पर मास्क और सैनिटाइजर के साथ तिरंगा लहराकर राष्ट्रीय गान के साथ वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दिया। सफल टू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारी रमेश भाई गिडवानी सहित कई व्यापारी आज के झंडे लहराते समारोह में उपस्थित रहे और व्यापारियों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर झंडे को सलामी दी और राष्ट्रगान गाकर गालवान खादी सहित देश के वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दिया। व्यापारियों ने उनकी शहादत और बलिदान को याद करते हुए देशभक्ति के गीत गाए और उन्हें प्रणाम किया। पेश है अहमदाबाद से फिल्म मर्शिया की एक खास रिपोर्ट। जय हिंद। मैं प्रियंक गिडवानी सुमेल बिजनेस पार्क 2 की तरफ से आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं स्वतंत्रता दिवस उजवने के लिए। और अब सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगा जो हमारी भारतीय सेना है, जो फौज पे, जो सरहद पे खड़ी है और जो इतना योगदान दे रही है। आज हमारे 74 ईयर्स पूरे हुए हैं और सबका योगदान बहुत ही अच्छा रहा है। मैं चाहता हूँ इसी तरह भारत की तरक्की होती जाए और सब लोग भारतीयों का इतना ही योगदान देते जाए। सब जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सफल टू में इस तरह के आयोजन का हम लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि इससे आपसी सौहार्द, आपसी सामंजस्य बनता रहे। भारत के अंदर आज इस स्वतंत्रता का महत्व समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि प्रियंक ने बताया कि हमारे जो जवान हैं, डॉक्टर्स हैं, आज कोरोना के इस महामारी में उन्होंने भी अपना योगदान दिया है। पुलिस ने अपना काम किया है, प्रशासन ने अपना काम किया है। इसी तरह से हमें एक नागरिक होते हुए हमें हमारे दायित्व को भी निभाना है, तभी हम इस सच्ची स्वतंत्रता का सही मायने में उपयोग कर सकेंगे, समझदारी से इसे और आगे ले जा सकेंगे। जय हिंद। गिडवानी, मैं रमेश गिडवानी सफल टू में से। आज 74वें स्वतंत्रता दिन पे पूरे देश को बधाइयां देता हूँ। ये हमारा देश मातृभूमि बुलाया जाता है। एक यही जगह ऐसी है कि जिसको हम जमीन का टुकड़ा नहीं समझते, हम अपनी माँ समझते हैं इस देश को। इसलिए ये देश की माता की बहुत बड़ी पूजा करते हैं और हर साल हम करते रहेंगे। हम सालों से 74 साल से देश को आगे बढ़ाने में सब अग्रसर रहे हैं और हमारी सफल टू, हमारे टेक्सटाइल के व्यापारी सब ये चाहते हैं कि कहीं भी हमारा ध्यान रखा जाए सरकार की ओर से, तो हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और ऐसा आत्मनिर्भर बनाएंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिले, रोजगार मिले और पूरा देश तरक्की की ओर जाए। धन्यवाद आप सभी का। भारत माता की जय। भारत माता की जय।